नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ चार दिन पूर्व बिलरियागंज थाना क्षेत्र से लापता एक युवक का शव मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मैगापुर गांव के कोड़िया नाला के पास दफन किया हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ आला अधिकारी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की छानबीन में जुट गए। मैगापुर गांव के ग्रामीण कोड़िया नाला के पास बकरी चरा रहे थे, इसी दौरान ग्रामीणों ने जमीन में दफन शव को देखा तो सन्न रह गए। देखते ही देखते जंगल में आग की तरह पूरी खबर इलाके में फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी। दफन शव मिलने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को निकलवाया तो शव की शिनाख्त बिलरियागंज थाना क्षेत्र के चिचोरी गांव निवासी राम के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल रुसिया ने बताया कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मैगापुर गांव के पास नाले से युवक का शव बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने पूर्व में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन की जा रही है। दिनांक 3 फरवरी को थाना बिलरियागंज पर एक गुमशुदगी दर्ज हुई। ये गुमशुदगी 22 वर्षीय व्यक्ति राम सन ऑफ हरिनाथ ग्राम चिचोरी के रूप में दर्ज हुई। कल दिनांक 5 तारीख को शाम के समय मुबारकपुर के गांव मेगापुर में नदी के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान राम सन ऑफ हरिनाथ के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी हुई। इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी कराई जा रही है। बाकी से तहरीर लेकर सुसंगत धारा 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस में शराब रसी पदारसी कर रही है। सीबी विवेचना का सफल निस्तारण कराया जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।